नमस्कार, मैं हूँ शमसुल अभी और आप देख रहे हैं नेच। तो चलिए आप लोगों को बता दें कि हफलंग गवर्नमेंट कॉलेज में शुरू हुआ है असमी स्पीकिंग और राइटिंग का क्लास, और ये क्लास उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए होगा जो फिलहाल हफलंग गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। आप लोगों को बता दें कि असम के चीफ मिनिस्टर जब हफलंग आए थे इसी साल के जनवरी के 19 तारीख को कैबिनेट मीटिंग जब उन्होंने अटेंड किया था, और उसके बाद 20 तारीख को वो जब हफलंग के गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने विजिट किया, तब उन्होंने कहा था कि हिल्स ट्राइब के लिए काफ़ी ऐसे पोस्ट है असम के अलग अलग जगह पे, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग अप्लाई भी नहीं करते, वो इस वजह से कि उन लोगों को असमीस बोलना या तो लिखना नहीं आता। ये और ये बात बिल्कुल भी सही, आप लोगों को पता है कि हफलंग जैसे जगह पर खास करके पूरे डिमा हसाओं में असमीस का जो चलन है वो काफ़ी कम है, और असमीस बोलने वाले और लिखने वाले लोग भी यहाँ पे काफ़ी कम है, और इसी के चलते लोगों के अंदर एक डर रहता है कि वो लोग जब बाहर जाएंगे असम के अलग अलग पार्ट्स में जाएंगे तो वहाँ पे किस तरीके से लोगों के साथ कम्युनिकेट करेंगे। डिमा हसाओ जगह है जहाँ पे असमीस ना के बराबर ही चलता है, और यहाँ का जो लैंग्वेज है वो है हफलंग हिंदी, और बाहर जाने के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। तो इसी के चलते असम के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को कहा था कि यहाँ पे इस तरीके का एक क्लास होना चाहिए, और उसी के बाद हफलंग गवर्नमेंट कॉलेज में ये क्लास स्टार्ट। मेरा एक और एक रिक्वेस्ट है हमारा स्टूडेंट्स के लिए, अभी असम सरकार में हमारा हिल्स टाइप का कोटा होता है, लेकिन हफलंग या कार्बी आलंग का लोग हमारा प्लेन्स में काम करने नहीं जाते हैं, तो बार बार हम लोग एडवर्टाइज करता हूं वो नौकरी खाली पड़ता है। क्यों नहीं जाते हैं? इसलिए थोड़ा हमारा लैंग्वेज का प्रॉब्लम है। तो मेरा यहां में एक रिक्वेस्ट है कि कम से कम एक आसामी स्पोकन क्लासेस का क्लास खोलना चाहिए, इसलिए सब्जेक्ट जो भी पढ़े लेकिन हमारा स्टूडेंट्स को अच्छा आसामिया बोलने का सीख जाए, तब हम लोग गुवाहाटी में कॉन्फिडेंटली जा सकूंगा या जहां में भी हमारा पोस्टिंग होगा हम लोग जा सकूंगा। जैसे यहाँ भी 3000 लड़का है, लड़का लड़की पढ़ रहा है, असम गवर्नमेंट में हिल्स टाइप का नाम में कम से कम आज का दिन में भी 10,000 नौकरी खाली है, तो हमको किसी को नहीं मिलता नौकरी का एडवर्टाइज करने से भी यहाँ से एप्लीकेशन नहीं जाते है। क्यों नहीं जाते हैं? लोग थोड़ा लोगों का मन में लगता है कि हम लोग तो असमिया नई भाषा बोल सकता हूँ तो कहाँ में जाके हम लोग काम करेगा, ऐसा मन में थोड़ा सा एक थोड़ा सा ये होता है कि क्या होगा, नया इलाका है। लेकिन आप लोग का जैसा हफलंग है, गुवाहाटी भी आप लोगों का ही है, जो जोरहाट है वो भी आप लोगों का है, इसलिए हम सब एक ही असम का सिटीजन है और पूरा असम का ऊपर आप लोग का अधिकार है, खाली डिमा हसाओ का ऊपर ऐसा नहीं है, पूरा असम का ऊपर आप लोग का अधिकार है। तो इसलिए थोड़ा हफलंग कॉलेज में हमारा असम प्लेन से आने वाला फैकल्टी मेंबर्स भी यहाँ में बहुत है, सब मिल के एक असमी स्पोकन कोर्स आप लोग शुरू कीजिए, इससे बहुत फायदा होगा, मेरा यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए आप लोगों को सुनाते हैं कि हफलंग गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल का क्या कहना है इस बारे में। हफलंग गवर्नमेंट कॉलेज में हम लोग एक सर्टिफिकेट कोर्स स्पोकन असमीस और राइटिंग स्किल में स्किल बोल के हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया है। वो स्टार्ट किया है क्योंकि हम लोग को जब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा जी आए थे तो उन्होंने हम लोग को बताया था कि एक आप लोग ये सर्टिफिकेट कोर्स असमी स्पीकिंग के लिए एक कॉलेज में एक खुलिए, तो इसीलिए हम लोग ने ये किया कि इसका लिए तैयारी किया, और साथ ही साथ हम लोग गवर्नमेंट से भी एक ऑर्डर आया कि आप लोग ये 3 मंथ्स कोर्स के लिए एक सर्टिफिकेट कोर्स असमी स्पीकिंग एंड राइटिंग स्किल हिसाब से एक सर्टिफिकेट कोर्स खोलिए। सो इसीलिए हम लोग ने ये यूनिवर्सिटी से भी हम लोग कंटेक्ट किया, अदर प्रोफेसर से असमीस का प्रोफेसर से हम लोग बातचीत किया, उन लोगों से हम लोग सजेशन लिया, और इसी तरह हम लोग एक सिलेबस बनाया, वो सिलेबस के अनुसार हम लोग 3 मंथ्स कोर्स के लिए वो स्पीकिंग और राइटिंग ये दोनों हम लोग इस यहाँ सिखाएंगे।
और हमारा यहाँ अभी तक 165 स्टूडेंट्स ऑलरेडी एडमिट हो गया और भी और आ रहा है, लेकिन हम लोग ने सोचा कि ये एक बार से तो इतना सारा स्टूडेंट का हम क्लास नहीं कर पाएंगे, इसलिए नेक्स्ट बैच में हम लोग फिर नेक्स्ट वो सिर्फ जो यही कॉलेज में पढ़ता है सिर्फ उन लोगों के लिए अभी तक तो यही है, क्योंकि गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि सॉरी गवर्नमेंट से ऑर्डर आया है कि स्टूडेंट का ही ले लेने का कॉलेज का, और फ्री ऑफ फीस भी नहीं लेने का है, फ्री कोर्स है ये। सो अभी फिलहाल हम लोग यही सोचा है कि कॉलेज का स्टूडेंट कहीं से हम लोग स्टार्ट करेगा, और कॉलेज का स्टूडेंट प्लस हम लोग का जो बहुत टीचर्स है वो लोग भी विलिंग है ये क्लास लेने के लिए। तो हम लोग हम सोचता है कि ये होने से हम लोग का डिस्ट्रिक्ट का लड़का लोग को बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये हम लोग का यहाँ असमी स्पीकिंग माने बात करने का बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हाफ लॉन्ग हिंदी से ही बात करते हैं, तो इसीलिए अगर असमिस यहाँ इस कोर्स से ये कोर्स करके असमिस बात कर सकेंगे तो हम लोग का डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाके अच्छी तरह से कम्युनिकेट करेगा कर सकेगा वो हम यहाँ का स्टूडेंट। तो आपने सुना हाफ लॉन्ग गवर्नमेंट कॉलेज का प्रिंसिपल को विस्तार से उन्होंने इस बारे में बताया, और अभी ये क्लास शुरू होते ही यहाँ पे करीब करीब 160 प्लस स्टूडेंट्स ने एनरोल अपने आप को कर लिया, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स और भी इस लाइन पे है अभी कि वो लोग सीख पाए, तो ये काफ़ी एक अच्छा बात है। और लैंग्वेज सीखना कभी भी ख़राब नहीं होता है, आप जितने लैंग्वेज सीखे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा, और ख़ास करके आसाम में रहकर अगर हम आसामीस बोलना या तो लिखना नहीं जानेंगे तो इसके लिए काफ़ी लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बोला कि स्टूडेंट्स जिनको बाहर जाके नौकरी करना पड़ता है उनके लिए ये काफ़ी बड़ा एक मुसीबत का सबब हो सकता है। इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज में पढ़ते हैं आप लोग कम से कम आसामीस ज़रूर सीखें। तो इसी तरह देखते रहे NH और हमें लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।